हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यूटैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 8 जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कवर करेंगे, एंड ये पार्ट 3 है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी का, जहाँ पे हमने लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को देखा था। साथ ही साथ हमने क्रिटिसिज्म जो थे देखे थे डीपीएसपी के, और यूटिलिटी समझी थी। आज हम आगे का स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक जो कि है डायरेक्टिव्स ऑल्सो प्ले द फ्लोइंग रोल्स, यानी कुछ रोल्स हैं जो डायरेक्टिव्स जो है प्ले करते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं कि दे फैसिलिटेट द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर। यानी कि जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है या फिर डोमेस्टिक पॉलिसी बनाई जाती है, उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब क्योंकि डीपीएसपी में वो सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं जिसको फॉलो करती है हमारी गवर्नमेंट, एंड उसके हिसाब से जो है लॉज को बनाती है जनता के लिए। बट यहाँ पे बोला जा रहा है भले ही पार्टी जो है पावर में जो है चेंज हो जाए, कि आज यहाँ पे बीजेपी है, कल कांग्रेस आ जाए, फिर कोई और पार्टी आ जाए, तो कोई भी पार्टी चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो बदल जाए, पर जो मेन चीज़ है कि जो कंटिन्यूटी जो है एक डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में फॉरेन पॉलिसीज़ में बदलनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी की, जैसे अभी इंडिया और यूएसए के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं हर एक फील्ड में, चाहे वो स्पेस के फील्ड में देख लो, आईटी सेक्टर के फील्ड में देख लो, डिफेंस के फील्ड में देख लो। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया ने बनाई है, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बीजेपी की है उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनाई है, तो कल को अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस पार्टी आती है तो उसे इस फॉरेन पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो फर्दर रिलेशन जो है इंडिया और यूएसए के और इम्प्रूव करने पड़ेंगे। यानी जो कंटिन्यूटी है फॉरेन पॉलिसी की, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए भले पार्टी बदल क्यों ना जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डीपीएसपी जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। यानी कि दे इंटेंडेड टू फिल द वैक्यूम इन पार्ट 3 बाय प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स। तो जैसे हमने जब फंडामेंटल राइट्स किया था तो वहाँ पे जितने भी क्रिटिक्स थे वो इसी बात का क्रिटिसिज्म कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स का, कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ पॉलिटिकल पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करता है, कि जनता के पास बोलने का अधिकार है, फ्रीडम को इस तरह से प्रोफेस करने का उनको राइट दिया गया है, बट यहाँ पे कोई भी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए गए हैं। जबकि हम अदर कंट्रीज़ की बात करें, जैसे डेवलप कंट्री है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में जो है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी राइट्स के बारे में बेसिकली बात की गई है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये सब चीज़ें क्यों नहीं है। ठीक है, तो इस बात में हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया था। बट हम भले ही हमारे फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स शामिल हो, बट हमारे जो डीपीएसपी एक सप्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं, कि फंडामेंटल राइट्स से तो हमारे पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं, बट डीपीएसपी के थ्रू हमारे सोशल इकोनॉमिक राइट्स को सेफगार्ड किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, बिकॉज़ उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि सभी जनता को पॉलिटिकल राइट्स जो देना जो था इजी था एज़ कम्पेयर टू सोशल इकोनॉमिक राइट्स। बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से बन जानते थे कि दो तीनों ही राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सिटीजन्स के लिए और साथ साथ स्टेट के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए डीपीएसपी को लेके आए और ये इंश्योर किया कि जो हमारे सोशल इकोनॉमिक राइट्स है वो हमारे डीपीएसपी के थ्रू पूरे हो जाएँ। यानी कि जब हम फंडामेंटल राइट को ले और साथ साथ डीपीएसपी को कंबाइन कर दें, तो हमारे जो तीनों राइट्स हैं वो एक तरह से फुलफिल होने की बात करते हैं। ठीक है, पर भले ही हमारे फंडामेंटल राइट जस्टिशेबल हो, डीपीएसपी नॉन जस्टिशेबल हो, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कल ही की वीडियो में देखा था कि किस तरीके की गवर्नमेंट जो है उनके लिए डीपीएसपी के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ताकि लोगों का सोशल इकोनॉमिक राइट्स उन्हें मिल सके। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में जो राइट्स हमारे बचे हुए हैं वो हमारे डीपीएसपी पूरा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड में लिखा है कि जो डीपीएसपी हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन क्रिएट्स अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर द फुल एंड प्रॉपर एंजॉयमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बाय द सिटीजन, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज़ नो मीनिंग। ठीक है, तो वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो सारे के सारे फेवरेबल एटमॉस्फेयर को पूरा कर तो देते हैं, जहाँ पे हमारे पॉलिटिकल राइट्स हमें मिल जाते हैं, पर जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें कहाँ से मिल रही है, फंडामेंटल राइट्स से मिल रही है, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमें कहाँ से मिल रही है, डीपीएसपी से मिल रही है। तो दोनों को साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हो लोगों के पास। नेक्स्ट पॉइंट है कि डीपीएसपी जो है एक तरह का एनेबल करता है अपोजिशन को टू एक्सरसाइज द इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, अगर वो काम सही है तो चलो ठीक है, बट अगर वो काम गलत है तो उसको क्रिटिसाइज करने की जो पावर है अपोजिशन को दी गई है। इसलिए किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक अपोजिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जहाँ पे गवर्नमेंट को एक तरह का चेक एंड बैलेंस मिलता है कि गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली ना एस्टैब्लिश करे। ठीक है, तो इसलिए अपोजिशन का भी जो इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अपोजिशन कैन ब्लेम द रूलिंग पार्टी ऑन द ग्राउंड दैट इट्स एक्टिविटीज़ आर अपोज्ड टू द डायरेक्टिव्स। यानी कि इस चीज़ के ऊपर जो है अपोजिशन क्रिटिसाइज कर सकती है गवर्नमेंट को, कि जो भी रूलिंग पार्टी है वो उनकी जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टिव्स के अपोज करते हैं, यानी डायरेक्टिव्स के खिलाफ जा रहे हैं। मान लो कल को अगर आज की डेट में अगर बीजेपी कैसा लॉ ला देती है
जैसे कि हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो थे मुस्लिम्स लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। तो ऐसे बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे अपोजिशन जो है गवर्नमेंट से, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, उसे सवाल जवाब पूछती है। क्योंकि अगर मतलब उनका कोई भी एक्ट या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगर DPSP को वॉयलेट कर रही है या फिर DPSP के विरुद्ध जा रही है, तो उस बेसिस पर हम कह सकते हैं अपोजिशन जो है सवाल जवाब कर सकती है जो भी रूलिंग पार्टी है। तो इस तरीके से एक DPSP जो है एक तरह का मीडियम प्रोवाइड करते हैं, एक ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं अपोजिशन को, कि वो अगर DPSP को कोई वॉयलेट कर रहा है कुछ, उसको अपोज कर रहा है, तो वो रूलिंग पार्टी सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो DPSP है एक तरह से क्रूशियल टेस्ट की तरह सर्व करते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है उसका अगर टेस्ट की बात करें तो कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं DPSP के थ्रू। एंड पीपल जो है कैन एग्जामिन कर सकते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द लाइट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन, यानी कि कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को अगर चेक करना होगा कि वो गवर्नमेंट जो है कोई भी पॉलिसी जो ला रही है वो सही है या नहीं है, तो वो इस बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि DPSP को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। यानी कि DPSP में कोई भी चीज़ें लिखी हुई हैं उससे रिलेटेड अगर गवर्नमेंट लॉ ला रही है, तो इट मीन्स गवर्नमेंट अच्छे से जो है काम कर रही है, ठीक है। और अगले साल हो सकता है फिर जब भी इलेक्शन होगी तो उसी पार्टी को जिताएं, ठीक है। तो मतलब लोगों के मन में जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है या नहीं है, वो इस बेसिस पर लोग तय कर सकते हैं कि उनके जो DPSP में लिखे हुए जो बेसिकली सोशल इकोनॉमिकल राइट्स है वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हम ये बात जानते हैं कि हमारी जो जनता है इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है कि वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको टाइम टू टाइम जज करें, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ यही होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जब भी वो इलेक्शन के टाइम आती है तो वो इतनी सारी अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में जो इतनी सारी चीज़ें बता देती है कि हम ये करेंगे या फिर हमने किया था, बट कहीं ना कहीं एक प्रॉपर वे में जो चेक होना चाहिए, जो पावर बेसिकली लोगों के पास है, वो उस पावर का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। सिर्फ जो कई सुनाई बातें होती हैं इनको विश्वास मानकर लोग जो है वोट देने चले जाते हैं, बट जो मेन तरीका होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दो जिसने आपके DPSP में जो भी आपके राइट्स से फुलफिल करने के लिए अच्छे से काम किया है उन 5 सालों में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि जो DPSP हैं वो एक तरह का सर्व करते हैं कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, कि जो रूलिंग पार्टी है रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जैसे हम देखते हैं हर एक पार्टी की अपनी खुद की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है कि वो राइट विंग है या लेफ्ट विंग है, तो उस भले कोई भी रूलिंग पार्टी क्यों ना हो, उसकी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्यों ना हो, बट फैक्ट ये है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो करना, ठीक है। बिकॉज ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं इंटेंडेड टू इट्स गाइड फिलोसोफर एंड फ्रेंड की तरह काम करते हैं। मतलब एक कोई भी सरकार जो रूलिंग पार्टी में है उसे सरकार कैसे चलानी है, कैसे अपने लेजिस्लेटिव कामों को करना है, कैसे एग्जीक्यूटिव का काम करना है, वो चीज़ समझाने के लिए, वो चीज़ गाइड करने के लिए एक फिलोसोफर की जो ज़रूरत होती है, एक फ्रेंड की जो ज़रूरत होती है, वो एक DPSP काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि DPSP जो होते हैं रूलिंग पार्टी के लिए, यानी जो भी गवर्नमेंट होती है उसके लिए एक ऐसा गाइड, एक फिलोसोफर, एक फ्रेंड की तरह मदद करता है कि ये बताने के लिए कि आपको इन 5 सालों में जनता के लिए क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें DPSP में लिखी होती हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट उनको अच्छे से फॉलो करेगी, उनसे पर्टिकुलर लॉज बनाएगी, तो जनता भी खुश रहेगी और जो मेन वेलफेयर स्टेट बनने का जो सपना है वो भी पूरा होगा। और ये बात हम जानते हैं, अगर वेलफेयर, क्योंकि देखो पॉलिटिकल राइट्स तो हमें मिले हैं, अगर सोशल इकोनॉमिक राइट्स भी हमें मिल जाएँ, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ DPSP भी अच्छे से अगर इंप्लीमेंट हो जाएँ, तो जैसे कि हमने देखा था कि जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा था कि अर्थ में जो एक हेवन की तरह काम करेगी हमारे इंडिया, ठीक है। क्योंकि इतने सारे राइट्स अगर मिल जाएंगे किसी भी सिटीजन को तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही फेस करनी नहीं पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को धीरे धीरे पूरा होने के लिए, बट गवर्नमेंट की कोशिश यही होनी चाहिए कि वो हर बार इम्प्रूवमेंट करे और चीज़ों को लेके आए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तब से लेके जो है इस बात पे कन्फ्लिक्ट चल रही थी कि हम किसको सुप्रीम माने, कि हमारा फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है DPSP इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो कि डिफरेंट जजमेंट्स आएंगी सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पे बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बहस किया जाएगा कि हम किसको सुप्रीम माने। तो सबसे पहला केस हम देखते हैं चंपकन दोराजन केस 1951 का। तो ये जब केस आया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली कहा गया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो यानी जब भी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनती है किसी भी फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में, तो हमेशा जो फंडामेंटल राइट्स है वही जीतेगा। यानी कि DPSP जो है हमेशा सब्सिडी रहेंगे फंडामेंटल राइट्स से। यानी अगर मान लो कल को गवर्नमेंट को कंफ्यूजन हो रही है कि हम फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करें अच्छे से DPSP को इंप्लीमेंट करें, तो उन्हें हमेशा फंडामेंटल राइट्स को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस चंपकम केस में बोली थी। अब बेसिकली बैकग्राउंड में सिचुएशन क्या हो गई कि इस तरीके की चीज़ें आनी पड़ी, कि मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना हुआ है और अगले साल जो आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट पर ये बहस चढ़ गई कि हम किसको इंपॉर्टेंट माने, फंडामेंटल राइट को या DPSP को। तो हुआ ये था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद जो भी रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट थी, यानी उस समय जो कांग्रेस थी, तो उनका जो मेन जो क्राइटेरिया था, जो काम वो करना चाहते थे, वो जनता के लिए करना चाहते थे। बिकॉज सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी को हम फॉलो कर रहे थे, तो उसके हिसाब से जो भी रिसोर्सेज थे, तो गवर्नमेंट का ये पूरी ड्यूटी थी कि जो भी रिसोर्सेज है उसे इक्वली जो है सभी लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो सबसे बड़ा इशू जो आ रहा था उस समय लैंड का ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीनें जो थी ज़मींदारों के पास थी और जो गरीब लोग थे उनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं था। तो सरकार यही चाहती थी जो एक्स्ट्रा ज़मीनें हैं, मतलब जो भी तय सीमा जो की गई है ज़मीन की, उसे एक्स्ट्रा ज़मीन जिसके पास है तो उससे वो ज़मीन छीन मतलब लेकर जो है उन गरीब लोगों को जो है देना चाहती थी। बट अगर ये चीज़ हम देखें
गवर्नमेंट क्यों कर रही थी, बिकॉज डीपीएसपी में ये चीज़ मेंशन की गई है कि आपको लोगों के लिए सोशल सोशल राइट्स जो है, उनके इकोनॉमिक राइट्स हैं, उनके लिए आपको गवर्नमेंट को काम करने हैं। तो गवर्नमेंट जो है उन्हीं राइट्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि डीपीएसपी में ये चीज़ मेंशन की गई है कि आपको लोगों के लाइवलीहुड के लिए आपको काम करना है, उनके यू नो वेलफेयर करने के लिए आपको काम करना है, उनको शेल्टर मिले, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ मिले, ठीक है, तो उसके लिए आपको काम करना है। तो गवर्नमेंट उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रही थी, जहाँ पर वो अमीर लोगों की जो ज़मीनें थी, एक्स्ट्रा ज़मीन थी, उन्हें लेकर वो गरीबों को देना चाहती थी। बट वो जो अमीर ज़मींदार लोग थे, जब उन्हें पता चला कि सरकार ऐसा कुछ कर रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, बिकॉज उस समय जो था राइट टू प्रॉपर्टी जो था एक तरह का फंडामेंटल राइट था, और फंडामेंटल राइट था तो डायरेक्टली वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना जो राइट है उसको इन्फोर्स कर सकते थे। तो जब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक सिचुएशन आ गई थी इस चंपकम केस में, कि हम बेसिकली फंडामेंटल राइट, जो ज़मींदार है वो कह रहे हैं कि हमारे भाई फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करो, बिकॉज सरकार तो इस तरह से हमारी ज़मीन ले लेगी, और एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि नहीं नहीं हमें तो उन डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर ज़मीन लेनी भी पड़ी तो उसमें क्या गलत है, बिकॉज डीपीएसपी में तो बोला ही गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट की एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि उन्हें पूरा करना ही करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये सिचुएशन था कि अब जनता का फंडामेंटल राइट बचाएं, या फिर जो गवर्नमेंट जो डीपीएसपी को फॉलो कर रही है उसके थ्रू जो लोगों को बेसिकली राइट्स प्रोवाइड कर रही है उसको बचाएं। तो गवर्नमेंट ने फैसला ये लिया कि हम हमेशा फंडामेंटल राइट्स को, यानी इस केस में उन्होंने कहा कि हम फंडामेंटल राइट्स को हमेशा सुप्रीम मानेंगे डीपीएसपी से, यानी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के द्वारा वो ज़मीन जो ली जा रही थी बड़े बड़े ज़मींदारों से, वो करने से गवर्नमेंट को मना कर दिया गया, और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनका जो फंडामेंटल राइट जो था, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, वो जीत गया। अब हम जानते हैं गवर्नमेंट तो अब शांत बैठेगी नहीं, बिकॉज़ उनको तो मतलब सरकार अच्छे से चलानी है, और क्योंकि वो सोशलिस्टिक पैटर्न में काम करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या करा इसी चीज़ के लिए, ताकि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 अमेंडमेंट्स लेके आए। एक तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए 1951 में, एक फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए 1955 में, और एक सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए 1964 में। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये सेवन्थ नहीं है, एक्चुअली 17 है, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। तो पहला अमेंडमेंट लेके आई फर्स्ट अमेंडमेंट, दूसरा फोर्थ एंड थर्ड 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कहीं ना कहीं डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता। अब हम बात करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है स्टेट को पावर मिल गई थी कि वो कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस ला सकते हैं ताकि सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए, ठीक है। दूसरा कि वो प्रोवाइड करेंगे सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यानी जो हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा था आर्टिकल 31 ABC में, जो आपके देखेंगे जो आपके बेसिकली राइट्स थे, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि इन पर्टिकुलर 5 मैटर्स के ऊपर जो है इनके ऊपर लॉ लाने के लिए, अगर मान लो कल को फंडामेंटल राइट को भी अगर मान लो साइड करना पड़े तो भी इनको इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना जो जरूरी है, बिकॉज ये लॉज कहीं ना कहीं डीपीएसपी को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर रहे थे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये प्रोविजन भी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया। साथ ही साथ नाइन शेड्यूल को भी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बेसिकली बात कर रहा था प्रोटेक्ट करना लैंड रिफॉर्म्स को अदर लॉज इंक्लूडेड इन फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, यानी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि वो सारे इशूज जो गवर्नमेंट उस समय फेस कर रही थी कि प्रॉपर्टी को ले नहीं सकते, और जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस उनका एडवांसमेंट भी करना है, और एडवांसमेंट आप तब कर सकते हो जब आपके पास अच्छे से रिसोर्सेस हो, तो गवर्नमेंट बस वही चाहती थी कि उन रिसोर्सेज को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना, बट कहीं ना कहीं जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रही थी वो लैंड की थी, तो वो प्रॉब्लम गवर्नमेंट को किसी भी तरह से सॉल्व करना था, इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आई, जहाँ पे उसने एक 9th शेड्यूल को ऐड करा, जहाँ पे बोला गया कि इसमें जो भी लॉज बनाया जाएगा इसमें डाला जाएगा 9th शेड्यूल के अंदर, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और ज़्यादातर ये जो 9th शेड्यूल में कौन से लॉज डाले जाते थे जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे। इसके अलावा जो है इस अमेंडमेंट में ऐड किया गया 3 ऐसे ग्राउंड्स जो कि रिस्ट्रिक्शंस की तरह काम कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे आपने हमने देखा था कि पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, या फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं थे, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया, और बोला गया कि जो रिस्ट्रिक्शंस है वो रीजनेबल है और जस्टिशियबल भी है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट ऐड किया गया वो ये था कि स्टेट जो है ट्रेडिंग या फिर जो भी बिजनेस होता है उसको नेशनलाइज अगर करना चाहे तो कर सकती है, तो उस केस में जो है बेसिकली वॉयलेशन ही माना जाएगा कि राइट टू ट्रेड और बिजनेस, क्योंकि हम जानते हैं फंडामेंटल राइट के अंदर हमें राइट है कि हम अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बट अगर हमने ये भी देखा है कि अगर मान लो सरकार किसी भी ऐसे ट्रेड को, किसी ऐसे बिजनेस को नेशनलाइज कर दे जहाँ पे वो पर्टिकुलर ट्रेड जो है सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकती है, तो उसको इस बात में क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट ने हमारा राइट छीना है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे मान लो डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर आपका जो एटॉमिक बॉम्ब्स जैसी चीज़ें, ये ऐसा बिजनेस है जो गवर्नमेंट खुद करती है, उसने उसे नेशनलाइज कर रखा है। आप कोई भी पब्लिक को या फिर कोई भी बिजनेसमैन को नहीं देखोगे जो इसको पर्टिकुलर ट्रेड को अलग से चला रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो बेसिकली इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको नेशनलाइज करना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी था। तो ये चीज़ हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, जिसे इस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया।
अब हम बात करते हैं फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1955 में आई थी, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले जो कंपनसेशन का जो प्रोविजन था, ठीक है, कि कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड द सिक्योरिटी ऑफ कोर्ट, तो ये चीज़ें इसका स्केल जो है बनाया गया। और साथ ही साथ नेक्स्ट जो ऐड किया कि ऑथराइज द स्टेट टू नेशनलाइज एनी ट्रेड, तो ये भी चीज़ इस फर्स्ट से इसमें डाली कि वो चाहे तो किसी भी ट्रेड को नेशनलाइज कर सकती है, पावर जो है स्टेट के पास है। फिर उन्होंने थर्ड चीज़ें इंक्लूड मोर एक्ट इन द नाइन शेड्यूल, तो नाइन शेड्यूल्स में और ज़्यादा एक्ट डालने के लिए इस अमेंडमेंट को यूज़ किया गया। और साथ ही साथ फोर्थ अमेंडमेंट का यूज़ किया गया स्कोप जो था आर्टिकल 31A का, जो सेविंग ऑफ लॉस की बात करते हैं, उसका स्कोप को और बढ़ाया गया इस अमेंडमेंट से। अब जो लास्ट अमेंडमेंट बेसिकली की है 17th अमेंडमेंट 1964 में, तो इसमें पहला जो प्रोविजन था वो ये था कि प्रोहिबिट द एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर द पर्सनल कल्टीवेशन अनलेस द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड इज पेड एज कंपनसेशन। यानी कि ऐसी कोई ज़मीन जहाँ पे मान लो कोई पर्सन अपना कल्टीवेशन कर रहा है, उसकी खेती करने की ज़मीन है, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली जो है उसकी ज़मीन को नहीं लिया जाएगा अनलेस द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज पेड एज कंपनसेशन, ठीक है। यानी कि एक ऐसा मान लो किसान है या फिर कोई भी एक पर्सन है जिसकी एक कल्टीवेशन करने की एक ज़मीन है, मतलब खेत है उसका पर्टिकुलर, वैसे तो उसके खेत को मना किया गया है कि उस लैंड को बेसिकली आप एक्वायर नहीं कर सकते बिकॉज वो खेती की ज़मीन है, ठीक है। बट फिर भी अगर मान लो कुछ ऐसी ज़रूरी मतलब बात हो गई जहाँ पे आपको उसको एक्वायर करना ही करना है, मान लो वहाँ से रेलवे लाइन गुजरनी है या फिर कुछ रोड बनानी है, कुछ भी ऐसा काम करना है, तो उस केस में अगर आपकी जो भी उस ज़मीन की जो भी मार्केट वैल्यू होगी वही मार्केट वैल्यू आप अगर उस पर्सन को दे रहे हो एज अ कंपनसेशन, तब जाके आप ले सकते, वरना नहीं, ठीक है। अगर मान लो वो ज़मीन पहले तो देना नहीं चाहता, ठीक है, बट अगर मान लो आपने कहा कि भाई इसकी मार्केट वैल्यू ये चल रही है, हम फिर भी देने को तैयार है, तो कंपनसेशन में आप हमें ज़मीन दे दो, तब हम ले सकते हैं, अदरवाइज प्रोहिबिट कर रहे हैं यहाँ पे कि आप लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। साथ ही साथ इंक्लूड किया गया 44 और एक्ट्स डाले गए नाइन शेड्यूल के अंदर। तो इन तीन अमेंडमेंट्स से ये तो क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ गई कि किस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स करना है, कैसे जो है गवर्नमेंट जो है लैंड को अपने पास एक्वायर कर सकती है और डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस गोलकनाथ केस 1964-67 का। तो अब हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपनी बात रखने के लिए अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट किए जा रही थी, बिकॉज उस समय आप देख सकते हो कांग्रेस जो है मेजॉरिटी में थी और अमेंडमेंट करना जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी था। बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अपने बात पे अड़ी हुई थी, तो आप देख सकते हैं गोलकनाथ केस 1964 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को छीन सके, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अपने आप पे सैक्रोसेंट हैं, ठीक है। यानी डायरेक्टली ही मना कर दिया कि आप कुछ भी कर लो, पार्लियामेंट जो है उन फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती है। अगर मान लो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है किसी भी सिटीजन का, तो गवर्नमेंट जो है डीपीएसपी को बेसिकली लागू करने के लिए उनकी फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती, ठीक है। तो और साथ ही साथ बोला फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, मतलब सीधे तरीके से बात की जाए तो एक तरह से गवर्नमेंट को बेसिकली मना कर रही थी सुप्रीम कोर्ट कि आप ऐसा कोई भी चीज़ नहीं ला सकते जिससे फंडामेंटल राइट्स का नुकसान हो। अब फिर वही बात कि पार्लियामेंट तो जो बैठती नहीं है, पार्लियामेंट ने कहा चलो ठीक है हमारे पास जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लेते हैं। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 किया गया, और उसके थ्रू बेसिकली पार्लियामेंट ने ये तय कर दिया कि पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है बाय एनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यानी जितना मर्जी बोला जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट हमने तो इस अमेंडमेंट के थ्रू ये बोल दिया कि पार्लियामेंट के पास से पावर है कि वो किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है, छीन सकती है। उसके साथ साथ एक 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया गया 1971 में। इसमें बेसिकली पार्लियामेंट ने क्या किया कि आर्टिकल 31C जिसको हमने फंडामेंटल राइट में भी अच्छे से कवर किया था, इसको इंसर्ट कर दिया। और इसको इंसर्ट करने का मेन पर्पस ये था कि जो डीपीएसपी में जो आर्टिकल 39B और 39C थे, यानी जो सोशलिस्टिक डीपीएसपी जो थे जहाँ पे आर्टिकल 39B और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को एक मोरल ऑब्लिगेशंस थी, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि अगर हम इन डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो अगर उसके इंप्लीमेंट करने से अगर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, आर्टिकल 14 जो बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 19 बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट, और आर्टिकल 31 बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन फंडामेंटल राइट्स को अगर बेसिकली ये छीना भी गया, मतलब इन फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉयलेशन भी हुआ इन डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का मानना था कि आर्टिकल 39B और 39C जो है, मतलब जो डीपीएसपी में जो आर्टिकल मेंशन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 14, 19 और 31। अब क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट में से कवर कर लिया था, बट फिर भी मैं सबको बता देती हूँ कि आर्टिकल 39B और सी में क्या था। आर्टिकल 39B बात करता है कि स्टेट जो है डायरेक्ट कर सकता है, पॉलिसीज बना सकता है टुवर्ड्स सिक्योरिंग द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। यानी जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है कम्युनिटी के, तो उसका उस पर किसका कंट्रोल रहेगा, क्या ओनरशिप रहनी चाहिए और किस तरीके से उस मटेरियल रिसोर्सेज को आपको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज वो एक तरह का कॉमन गुड है। जैसे कि हमने कल भी बात डिस्कस की थी कि जो भी कम्युनिटी का रिसोर्स होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता, कि कोई भी पर्सन आए कि भाई मुझे ये चाहिए वो लेके चल जाएगा, नहीं, उसका बेनिफिट जो है पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तो इसी चीज़ को इंप्लीमेंट करना चाहती थी गवर्नमेंट इस डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने से। अगर मान लो किसी पर्सन का राइट आर्टिकल 14, 19 और 31 अगर वॉयलेट होता भी है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जाएगा।
साथ ही साथ आर्टिकल 39C की बात करें जहाँ पे स्टेट जो है डायरेक्ट करेगा ऐसी पॉलिसीज बनाएगा टूवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट, यानी जो भी कंसंट्रेशन जो होगी वेल्थ और मीन्स की वो किसी एक पर्सन के हाथों में नहीं होनी चाहिए, उसको अच्छे से आपको मैनेज करना है, अच्छे से उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इन दोनों फंड DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 31C को जो है 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ऐड किया गया और कहा गया कि अगर मान लो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 40, 19 और 31 को अगर वायलेशन भी हो रहा है तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। ये तो कहा, चलो कह दिया, बट इसके साथ साथ देख सकते हैं एक सेकंड क्लॉज भी ऐड कर दिया 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, और ये कहा गया कि जो भी लॉ लेके आएगी गवर्नमेंट उसका बेसिकली कोई भी कोर्ट जो है क्वेश्चन नहीं कर सकता इस ग्राउंड के बेसिस पे कि वो पॉलिसी या फिर वो पर्टिकुलर लॉ किसी भी फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है जुडिशरी से छीनी जा रही है, और क्योंकि जुडिशरी तो जो बैठेगी नहीं कि चलो तुम जो भी कर रहे हो तो कर रहे हो बट हमसे जुडिशियल रिव्यू कैसे छीन सकते हो, बिकॉज केशवानंद भारती केस जब आया था 1973 में तब ये चीज़ जो डॉक्ट्रिन थी बेसिक स्ट्रक्चर की तब तक वो आ चुकी थी, तो क्योंकि डॉक्ट्रिन और बेसिक स्ट्रक्चर में जो है जुडिशरी का जो जुडिशियल रिव्यू है वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया, ठीक है। तो उसके तहत कह सकते हैं कि केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 31C आपने ऐड किया है चलो उसको हम मान लेते हैं, उसका जो फर्स्ट प्रोविजन है जहाँ पे आप कह रहे हो कि आर्टिकल 39B और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14, 19, 31 अगर वॉलेट हो रहे हैं तो हम उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, इस प्रोविजन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर जो सेकंड प्रोविजन आपने ऐड किया था कि आप कोई भी लॉ ला रहे हो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये था 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब गवर्नमेंट फिर से चुप नहीं बैठी, अब वो क्या करती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेके आ जाती है। इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट चाहती थी कि जो स्कोप है आर्टिकल 31C का वो और ज़्यादा बढ़ जाए, बिकॉज आर्टिकल 31C में हमने जैसे बोला कि कुछ DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर 49 और 31 फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट हो रहा है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाएगा। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि जो सिर्फ दो ही DPSP को क्यों रखे, क्यों ना पूरे के पूरे DPSP, यानी जो भी DPSP हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल देखे हैं, गांधीन प्रिंसिपल देखे हैं, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स देखे हैं, उन सारे प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है चाहती थी गवर्नमेंट की हम इस अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा कर देते हैं कि सिर्फ उन दो DPSP के अलावा हम जितने भी DPSP हमारे मेंशन हैं, जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ लाती है और उससे पर्टिकुलर 14, 19 और 31 के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उससे बेसिकली उनको वो मिल जाएँ, ठीक है। यानी कि जब आर्टिकल 39B और सी के केस में हमने सिर्फ 14 और 19 और 31 को ही कंसिडर किया था कि ये तीन फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉयलेशन होता है तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहना, बट अगर इस अमेंडमेंट के दौरान हम देखें तो गवर्नमेंट चाहती थी कि वो सारे के सारे DPSP, चाहे वो सोशलिस्टिक हो, गांधीयन हो या लिबरल हो, सारे के सारे DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए कल को जितने भी फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं आर्टिकल 40 से लेकर 32 तक हम देखेंगे जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो कल को इन फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉयलेशन भी होता है इन सारे DPSP को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए तो उन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा। तो इन सब से आप क्या समझ सकते हो कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी कि जो DPSP है उसको सुप्रीम कर दे, फंडामेंटल राइट्स को कम कर दे, ठीक है। अब बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पस इससे क्या होगा, बिकॉज हम जैसे कि जानते हैं, हमने ये चीज़ डिस्कस भी किया है कि DPSP को इम्प्लीमेंट करना भले ही गवर्नमेंट के मोरल ऑब्लिगेशन हो, बट जो रियल स्ट्रेंथ या फिर रियल रीज़न जो होता है इसको इम्प्लीमेंट करने का वो पॉलिटिकल नेचर का होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि अगर उसको वोट अच्छे से मिले, वो फिर से पावर में आए, तो उन्हें इन DPSP को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आप सोच सकते हो उस समय जब इस तरीके का लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे तो जो अमीर जमींदार थे वो तो पॉपुलेशन वाइज कम थे, पर जो गरीब जनता थी कितनी सारी थी, भले मोटिव जो है उस समय गवर्नमेंट का ये रहा है कि हम सबको अच्छे से यू नो डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट कहीं ना कहीं एक वोटिंग बैंक का भी उनके पास पर्सपेक्टिव था कि अगर हमें उन गरीब लोगों का भी वोट मिल जाए तो कितने अच्छे से हम आगे और मेजॉरिटी में आ सकते हैं, और उन गरीबों की वोट कैसे पा सकते जब आप उन गरीबों के लिए कुछ करो। तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, लैंड का इशू था, क्योंकि अगर हम लैंड का इशू कहीं ना कहीं सॉल्व कर देंगे, जो ज़मीन है एक्स्ट्रा ज़मीन जो ज़मींदारों के पास है वो लेके इन किसानों को या फिर इन गरीब लोगों को दे दिया जाए तो इन लोगों का वोट भी हमें मिल जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो टशल थी कि हम फंडामेंटल राइट को ज़्यादा सुप्रीम समझें, DPSP को सुप्रीम समझें, तो ये चलती भी आ रही थी। और इन सारी चीज़ों से हम देख सकते हैं जितने भी अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट ने किए हैं वो यही शो करना चाहती थी कि DPSP को सुप्रीम बना दो, फंडामेंटल राइट को उसका सब्सिडियरी बना दो, बट क्योंकि हम जानते हैं इतना ज़्यादा एक्सट्रीम जो है सुप्रीम कोर्ट कभी अलाउ नहीं करती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं चाहती थी कि फंडामेंटल राइट को इन्फीरियर कर दिया जाए DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसलिए ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था जहाँ पे बोला गया था कि सारे के सारे DPSP को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स अगर वॉलेट हो भी रहे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन ना करें, इस बात को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने देख सकते हैं मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 में आया था उन्होंने इस चीज़ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया।
ठीक है, यानी जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 था इसको पूरे के पूरे को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यानी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, यानी कि जो गवर्नमेंट जो चाहती है कि डीपीएसपी को ज़्यादा बेसिकली प्रायोरिटी मिल जाए एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी बात पर एग्री करता है कि फंडामेंटल राइट्स हों या डीपीएसपी हो, इसके बीच में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं करना है कि हम फंडामेंटल राइट को ही सुप्रीम कर दें, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट ना करें, या फिर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के चक्कर में फंडामेंटल राइट्स को ही सब्सिडरी बना दें। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है, कि कौन बेसिकली इंपॉर्टेंट है और कौन बेसिकली सब्सिडरी है। तो अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स जो इन्जॉय किया जाता है सुप्रीमेसी ओवर डीपीएसपी, यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी सुप्रीम है एज़ कम्पेयर टू डीपीएसपी, ठीक है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डीपीएसपी को आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे। मतलब एक चीज़ भले ही सब्सिडी क्यों ना हो जाए बट उसका इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। जिस तरह हमारे फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है उसी तरह से डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है। और पार्लियामेंट को बेसिकली जो पार्लियामेंट हमेशा चाहती थी कि उसके पास पावर होनी चाहिए अमेंड करने के फंडामेंटल राइट्स, वो उसको मिल गई कि येस जो है पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को अगर उसे इंप्लीमेंट करना है डीपीएसपी को। बट कोर्ट ने उसको, जुडिशरी ने बोला कि भले आप अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को बट आपका जो भी अमेंडमेंट होगा वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेशन नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप ऐसे किसी फंडामेंटल राइट को अमेंड करो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को, उस पर्टिकुलर लॉ को जो आप लेके आओगे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने का जो है हक जो है जुडिशरी के पास है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट्स जो है नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो नेगेटिव होते हैं बिकॉज ये प्रोहिबिट करते हैं स्टेट को फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। यानी स्टेट जो है कहीं ना कहीं इन फंडामेंटल राइट्स को छेड़ नहीं सकता, ठीक है, एक हद तक, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट एक पार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसको नेगेटिव माना गया है। और क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी फंडामेंटल राइट को जो स्टेट छीन नहीं सकता इरिस्पेक्टिव कि वहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्यों ना लगा दी गई हो, बट वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जेन्युइन होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये पॉजिटिव है स्टेट के पर्सपेक्टिव से। क्यों? बिकॉज ये स्टेट को कुछ करने के लिए बेसिकली कहती है कि आपकी ड्यूटी ये है, आपकी मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ पे लॉ बनाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, कि फंडामेंटल राइट जस्टिशियबल है एंड दे आर लीगली इन्फोर्स बाय द कोर्ट इन देयर वॉलेशन, ठीक है। यानी अगर मान लो कोई फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है तो कोई भी पर्सन जो सिटीजन जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बट डीपीएसपी की बात करें तो कोई जस्टिशियबल नहीं है, यानी इसको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता अगर इनका वॉलेशन किया जाए। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो फंडामेंटल राइट है उसका एम है एस्टैब्लिश करना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ठीक है। यानी जो भी राइट्स दिए गए हैं आपको पॉलिटिकल राइट्स जो आपको फंडामेंटल राइट्स से मिलते हैं। बट डीपीएसपी की बात करें तो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है कंट्री में एस्टैब्लिश करने का जो जिम्मा है डीपीएसपी का है, बिकॉज वहाँ पे आप देखोगे बहुत से राइट टू वर्क हैं, आपको इनकम इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारी डीपीएसपी मेंशन की हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी अगर साथ में लागू हो जाएं, मतलब इतनी, मतलब जितनी तरह हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उतनी तरह अगर डीपीएसपी के हर प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो हमारा जो कंट्री है इंडिया वो एक अर्थ में एक हेवन की तरह बेसिकली देखने को मिलेगा। बिकॉज हेवन इसलिए बिकॉज हेवन में हर एक चीज़ एकदम बेस्ट होती है। और अगर किसी पर्सन को फंडामेंटल राइट के साथ साथ उसका डीपीएसपी भी मिल जाए तो मतलब उसको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, सब अच्छा ही अच्छा होगा, एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, तो है लीगल सेंक्शन है, ठीक है, कि मतलब जो फंडामेंटल राइट है तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनका एक लीगल सेंक्शन होता है, यानी कि हम डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर बात करें डीपीएसपी का तो ये मोरल एंड पॉलिटिकल सेंक्शंस होता है, यानी एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशंस होती हैं कि आपको इनको फॉलो करना है। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल राइट जो प्रमोट करते हैं वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, हैंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो एक इंडिविजुअल को वेलफेयर प्रमोट करने के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, यानी एक इंडिविजुअल का जो राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है काम आते हैं। बिकॉज आप देखोगे जो राइट टू इक्वालिटी की बात की, एक पर्सन की बात की, एक पर्सन के पास राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए, एक पर्सन को बेसिकली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, एक पर्सन को बेसिकली अनटचेबिलिटी नहीं करना, एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, तो यहाँ पे बेसिकली एक इंडिविजुअल की बात की गई है फंडामेंटल राइट में, कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सिटीजन को कौन कौन से राइट्स जो दिए गए हैं। बट अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो एक तरह का वेलफेयर प्रमोट करता है कम्युनिटी का, यानी यहाँ पे कम्युनिटी का एज अ होल जो है उनके वेलफेयर की बात की है, कि यहाँ पे अगर वेलफेयर मतलब अगर लाइवलीहुड का ध्यान दिया जाएगा तो पूरे कम्युनिटी का बेसिकली आपको लाइवलीहुड के लिए काम करना है। अगर मान लो किसी माइनॉरिटी जो सेक्शन है, जो भी ऐसे बैकवर्ड क्लासेस है, उनकी अगर एडवांसमेंट का काम करना है तो आप पर्सनल किसी पर्सन का नहीं करोगे, यहाँ पे पूरे कम्युनिटी का जो वेलफेयर के लिए आप लॉज बनाओगे डीपीएसपी के तहत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो डीपीएसपी है वो सोसाइटेरियन है, सोशलिस्टिक है, बिकॉज यहाँ पे जो पावर मिलती है गवर्नमेंट को वो ये होती है कि यहाँ पे कोई भी पॉलिसी या लॉ बनाया जाता है वो इस बेसिस से बनाया जाता है कि जो भी पावर है, जो भी रिसोर्सेज है, किसी एक पर्सन के हाथ में ना रहकर पूरी कम्युनिटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ताकि पूरी कम्युनिटी का एज अ होल वेलफेयर हो, उनका डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट जो है डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको
गवर्नमेंट को बेसिकली कोई भी एक लॉ लाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो जाते हैं। यानी अगर मान लो कल को अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो आप देखोगे नहीं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए पर्टिकुलरली कोई लॉ लाया गया है या फिर उसको मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए आपको फ्रीडम मिली है। रिलीजन जैसे बच्चा पैदा हुआ उसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसको एज राइट उसको मिल गई है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लॉ लाने की जरूरत नहीं मिली, ठीक है। बट अगर DPSP की बात करें तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम देखते हैं कि लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इसको ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी अगर कल को राइट टू वर्क देना है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट देना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर लॉ लाना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो हमारी जुडिशरी है वो बाउंड है टू डिक्लेयर लॉ वॉयलेटिव ऑफ एनी फंडामेंटल राइट एज अनकॉन्स्टिट्यूशन वैलिड। यानी कि अगर मान लो कोई भी एक ऐसा लॉ लाया गया है किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो उस पर्टिकुलर लॉ से अगर मान लो किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो उस पर्टिकुलर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशन कह सकती है हमारी जुडिशरी। बट अगर DPSP की बात करें, उस केस में अगर मान लो कोई लॉ लाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, तो उस लॉ से अगर मान लो कोई भी DPSP का वॉयलेशन हो रहा है तो उस पर्टिकुलर लॉ को मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये जो जुडिशरी की जो पावर है कि वो DPSP को कोई भी ऐसा लॉ जो DPSP को वॉयलेट कर रहा है उसमें वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकती, ठीक है। क्यों? बिकॉज क्योंकि हम देखते हैं कि DPSP जस्टिशेबल नहीं है, ठीक है, उसकी कोई लीगल फोर्स नहीं है, ठीक है। बट साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि मान लो कल को कोई एक ऐसा लॉ लाते हैं और उस लॉ के कारण जो एक DPSP को इफेक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो हम आर्टिकल 39B और C की बात कर लेते हैं कि जो बेसिकली पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि अगर मान लो इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14, 19 और 31 जो फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन होता भी है तो बेसिकली इसको मना नहीं किया जाएगा, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया जाएगा। यानी कुछ ऐसे DPSP हैं जिनको बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का अगर बेसिकली वॉयलेशन करते भी हो तो उसमें जुडिशरी जो है बेसिकली उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकती, ठीक है। बिकॉज एक पर्टिकुलर DPSP को आपको इफेक्ट में लाना है जो कि ज़रूरी भी है, ठीक है। बिकॉज जो हमने आर्टिकल 39B और C का देखा था वो कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग जो हैं जो बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं उनको बेसिकली उनका एडवांसमेंट करने के लिए ज़रूरी है। और कल की डेट में अगर मान लो कुछ ऐसी DPSP है जिससे मान लो इंप्लीमेंट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लो उन फंडामेंटल राइट्स को अगर नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं जुडिशरी देखेगी कि उस केस में जो फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहे हैं क्या वो इतने इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि वो फंडामेंटल राइट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उन DPSP को इंप्लीमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस DPSP के इंप्लीमेंटेशन से लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट पहुंच रहा है, तो तब जुडिशरी बेसिकली उस चीज़ को लाने के लिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेगी। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस जो है कंप्लीट कर लिया, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो कैसे कैसे आप देखोगे, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से हम देखेंगे कुछ ऐसे लॉज लाए गए हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि DPSP को तब से लेकर आज तक बहुत सी बार इंप्लीमेंट किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, जो से बेसिकली 1950 में बनाया गया था, जिसका काम बेसिकली ये था कि 5 ईयर्स प्लान बनाना है गवर्नमेंट को, उस हिसाब से जो है देश की तरक्की करनी है, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हो, या फिर हेल्थ के सेक्टर में, मतलब हर एक मतलब गवर्नमेंट में पॉलिसी बनाने की 5 साल में गवर्नमेंट क्या क्या करेगी देश को तरक्की के लिए, ठीक है। तो क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है बेसिकली अप टू डाउन, ठीक है, बेसिकली अप टू बॉटम जो है अप्रोच को फॉलो करता था, यानी कि मतलब टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच जो है उसको फॉलो करता था। यानी जो भी चीज़ें तय की जाएंगी, यानी जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है ग्राउंड लेवल में, उसका जो फैसला है, उसकी जो प्लानिंग है, बेसिकली कौन करेगा, सेंटर में जो बैठने वाले जो पार्लियामेंट है, यानी जो MPs हैं, वो बेसिकली तय करेंगे कि ग्राउंड लेवल में क्या चीज़ डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने चीज़ पहले भी डिस्कस करी है कि जो ग्राउंड लेवल में जो विलेजेस है, पंचायत है, उनके पास कोई पावर ही नहीं आती थी भाई गाँव में क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा पता बिकॉज वो वहाँ पर रहते हैं। तो हम देख सकते हैं प्लानिंग कमीशन भले ही काफ़ी टाइम तक उसने अच्छे से काम किया, बट उतना इफेक्टिव रिजल्ट वो नहीं दे पाया, इसलिए नीति आयोग को बेसिकली लाया गया। और नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि नीति आयोग जो है बेसिकली इंप्लीमेंट नहीं करता, वो बस प्लान करता है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बाकी इंप्लीमेंटेशन का काम जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से उनको दिया गया है। बट नीति आयोग का मेन डिफरेंस ये भी है कि इसने बॉटम टू अप अप्रोच को फॉलो करता है, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, विलेज पंचायत है, वो बेसिकली यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान करना है वो लोग डिसाइड करते हैं, फिर उस हिसाब से जो सेंटर उनको फंड प्रोवाइड करती है। तो कहना कहीं मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि जब DPSP में किस तरीके से वेलफेयर होना चाहिए स्टेट का, और किस तरीके से आपको मतलब बेसिकली जो DPSP में प्रिंसिपल्स बताएंगे उनको इंप्लीमेंट करने के लिए ये सब चीज़ें प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग उसको लाया गया था, सो दैट अच्छे से हम कह सकते हैं उन सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट कर सके विलेजेस का या फिर होल मतलब पूरी कंट्री का, वो इनके थ्रू किया जाने लगा। उसके बाद जो हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। लैंड रिफॉर्म्स में सबसे पहले जो था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार, जागीरदार और इनामदार। ये जो पहले आप देखोगे मिडिवल एरा के टाइम्स में ये लोग बहुत हुआ करते थे, ठीक है, मतलब अंग्रेजों से बेसिकली अंग्रेज जो है टैक्स वसूल करने के लिए इन्हीं को यूज़ किया करते थे, बिकॉज ये ग्राउंड लेवल पर जाकर जो भी किसान होते थे उनसे जमीन का कर वसूलते थे या फिर उन पर दबाव डालते थे, ठीक है। तो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे ये अपने टाइम पर कि इनको अबॉलिश करना बहुत ज़रूरी था।
फिर हम बात करते हैं टेनेंसी रिफॉर्म्स के, यानी जो टेनेंट है जो फार्मर उन पे रिफॉर्म लाया गया, लाइक उनकी जो सिक्योरिटी दी गई, बिकॉज ऐसा टेनेंट ऐसा फार्मर जिसकी खुद की जमीन नहीं है बट किसी और के खेत में जाके काम कर रहा है, तो उसको एक सिक्योरिटी होनी चाहिए इस बात की कि वो जिस भी खेत में या फिर जिस भी लैंड पर काम कर रहा है उससे कोई उसे बाहर निकाल दे, और एक फेयर रेंट उसको मिलना चाहिए, मीन जो भी वो काम कर रहा है उसको उसके बदले का उसे पैसा मिलना चाहिए, यानी उसके साथ कोई भी बड़ा ज़मींदार हो या कोई भी बड़ा लैंड ओनर हो उसके साथ कोई भेदभाव ना करें। साथ ही साथ इस लैंड रिफॉर्म में आप देख सकते हो एक इम्पोज की गई सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग की, एक पर्टिकुलर सीलिंग से ज़्यादा कोई भी बड़ा किसान हो या बड़ा जमींदार हो वो लैंड को होल्ड नहीं कर सकता, और जो भी एक्स्ट्रा लैंड होगा उसको जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी हमारी गवर्नमेंट ऐसे लैंडलेस ओनर को, ऐसे लैंडलेस मतलब बेसिकली फार्मर्स को जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है सरप्लस लैंड का अमंग द लैंडलेस लेबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग भी एक लैंड रिफॉर्म रिफॉर्म्स का पार्ट था, जहाँ पे कुछ किसान जो है आपस में मिलकर जिनके पास मान लो छोटा छोटा एकड़ की ज़मीन है, बट उन छोटी छोटी ज़मीनों में अगर उन्हें लगता है कि अच्छे से वो फार्मिंग नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, सभी छोटे छोटे किसान जो आपस में एक ग्रुप बना लेंगे, एक तरह का कोऑपरेटिव बना लेंगे, एंड अपनी जो भी छोटी छोटी ज़मीन है अगर उनको सबको कंबाइन कर दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लैंड एरिया हो जाएगा फार्मिंग करने के लिए। अब इतने बड़े लैंड एरिया में अगर आप फार्मिंग करोगे तो अच्छे से आपकी ईल्ड भी आएगी, अच्छे से आप उसको सेल भी कर पाओगे, तो जो छोटे छोटे किसान हैं उनका इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी देखने को मिला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है लैंड रिफॉर्म्स के अंदर लाई गई थी, और आज की डेट में भी आप देखोगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है कोऑपरेटिव फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं छोटे किसान होते हैं इनको लोन मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज लोन इसलिए चाहिए होता है बिकॉज बीज लेके आने हैं, फिर जो बेसिकली फर्टिलाइज़र उसमें डालना है, फिर इरीगेशन का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, तो वो सारा किसान एक छोटा किसान उठा नहीं सकता। बट अगर छोटे छोटे किसान आपस में मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें, फार्मिंग मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग बना लें, तो अभी एक किसान को भले लोन में लेने में प्रॉब्लम होगी बट ये सारे के सारे किसान अब जाएंगे लोन में लेने के लिए, तो ईजिली जो है बैंक उनको लोन भी प्रोवाइड कर देगा और फिर ईजिली जो है अपने एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी फील्ड में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया जा रहा है, चाहे फार्मिंग की फील्ड हो या फिशरीज़ की फील्ड हो। ठीक है, ताकि वो सारे लोग जो बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को, वो साथ में अगर मिलकर आएंगे तो इजिली जो है काम बन सकता है। इसके अलावा जो है कुछ प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ लेबर सेक्शन है, जो भी लेबर सेक्शन है हमारी सोसाइटी में उसको उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे जो लॉज लाए गए। सबसे पहला मिनिमम वेजेस एक्ट, तो हम कह सकते हैं कि उनको वेजेस सही से नहीं मिलती थी तो वो चीज़ ना उनके साथ, तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट लाया गया 1948 में। साथ साथ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 है, ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। 2006 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था चाइल्ड लेबर को पूरी तरीके से, कि चाइल्ड लेबर जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड 2016 में हम देखते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1986 का था उसका नाम चेंज करके अब आप देख सकते हैं क्या है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986। तो ये सारे के सारे जो एक्ट लाए गए हैं, जो सारे के सारे लॉज लाए गए हैं, इसका मेन रीज़न क्या था, बिकॉज DPSP में इसके बारे में लिखा हुआ था कि किस तरीके से जो है हर किसी को मिनिमम वेज देनी है, एक चाइल्ड का डेवलपमेंट करना है, चाइल्ड का डेवलपमेंट आप तभी कर सकते हो जब उसको इस बेसिकली उसको किसी प्रोफेशन में ना भेजा जाए। ठीक है, तो इसलिए चाइल्ड लेबर को बैन करना बहुत ज़्यादा जरूरी था अगर उनका चाइल्ड का डेवलपमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं इन सभी लॉज को लाने का मेन मकसद यही था कि उन DPSP को इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट लॉज लाए गए वो थे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो ये जो बेसिकली लॉज लाए गए थे वो इसलिए लाए गए ताकि जो वुमेन वर्कर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट किया जाए, और क्योंकि हम जब DPSP कर रहे थे तो उस DPSP में एक ये भी प्रिंसिपल था कि एक मैटरनिटी को बेसिकली रिलीफ प्रोवाइड करना है वुमेन्स को, और साथ ही साथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। तो ये दो प्रिंसिपल जो DPSP में लिखे थे कि गवर्नमेंट का ये ऑब्लिगेशन मोरल ऑब्लिगेशन है कि इन पे रिलेटेड कुछ लॉज बनाए, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों पे ये लॉज बना हुआ है, एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बना हुआ है और वुमेन एक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 का बना हुआ है, यानी वुमेन वर्कर्स जो है उनको पर्टिकुलर किसी भी कंपनी में जाएंगी, किसी भी ऑफिस में जाएंगी तो वहाँ पे उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलेगा, और साथ साथ जो भी वो काम कर रही हैं जो मैन के इक्वल काम कर रही हैं तो उसके लिए इक्वल पे भी उन्हें मिलेगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए क्या क्या किया, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया लाइफ इंश्योरेंस को 1956 में, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट आया था 1956 में, जिसमें आप देख सकते हो कि उससे पहले जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां चलाई जा रही थी प्राइवेट ओनर्स के द्वारा, उन सभी कंपनीज को जो है एक एंटिटी के अंदर ला दिया गया जिसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, और 1956 से आप देख रहे हो ये एग्जिस्ट में और अभी तक अच्छे से काम कर रही है। तो मेन पर्पज़ जो था नेशनलाइजेशन करने का यही था कि जो प्राइवेट ओनर्स थे वो कहीं ना कहीं लोगों से पैसा तो ले लेते थे, पर जब बात देने की आती थी तो वो अच्छे से जो है मतलब कहते हैं ना, एक आपने अगर इंश्योरेंस लिया है तो आपकी मतलब सामने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको वो पैसा लौटाए। ठीक है, पर प्राइवेट ओनर्स के पास ये तब था तो इतनी सिक्योरिटी नहीं थी कि वो पैसा जो है लोगों का लौटाए या ना लौटाए। ठीक है, बट क्योंकि LIC अब देख सकते हैं अब गवर्नमेंट के अंडर आ गई है तो उसका रेगुलेशन वगैरह सब अच्छे से चलाया जाता है,
एंड पूरी सिक्योरिटी है कि यहाँ पे अगर आप अच्छे से पैसा वगैरह जमा करोगे तो जब भी आप क्लेम करोगे तो वो पैसा आपको पूरे छानबीन के बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे तो कह सकते हैं इस पर्पज़ से जो नेशनलाइज़ किया गया। इसके अलावा देख सकते हैं 14 लीडिंग कमर्शियल बैंक्स थे उनको भी नेशनलाइज़ कर दिया गया, ठीक है। तो वो सारे बैंक्स भी जो है बेसिकली प्राइवेट ओनर्स के द्वारा चलाए जाते हैं, और क्योंकि इन बैंकों में काफ़ी ज़्यादा लोगों का पैसा जो है डिपॉजिट था, और इस बात का खतरा था सरकार को कि उस टाइम पे कहीं ये पैसा जो है बेसिकली प्राइवेट ओनर्स जो है कहीं बर्बाद ना कर दें, तो इससे पहले हम जो इन बैंकिंग बैंक्स को जो है गवर्नमेंट के अंदर लेके आ जाते हैं, सो दैट यहाँ पे जो जनता का पैसा सुरक्षित रहेगा और जो भी बेनिफिट्स मिलना है इन पैसों का लोगों को तक पहुँचाना है वो गवर्नमेंट अच्छे से पहुँचा सकती है। बिकॉज गवर्नमेंट जो थी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड थी, यानी सोशलिस्टिक हम सोसाइटी पर थे, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा चाहती थी कि जो भी पैसा है जो भी रिसोर्सेज है वो इक्वली सब पे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। यानी कि अगर ये बैंक अगर रहेंगे मान लो, तो कल को इन बैंकों में जो भी लोन लेने आएगा तो वो जो अमीर इंसानों को नहीं कोई लोन देंगे, और जो हमारे जो गरीब लोग हैं जो गरीब किसान हैं उनको लोन कौन देगा, ये बैंक तो देंगे नहीं। बिकॉज ये बैंक जो है प्राइवेट बैंक है और ये सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे चलते हैं, तो ऐसे जो गरीब लोग हैं उनके पास तो लोन के पैसा पहुँचेगा ही नहीं। तो यही सब रीज़न था जिससे गवर्नमेंट चाहती थी बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो, एंड ताकि कंट्रोल अगर गवर्नमेंट के पास आएगा तो गवर्नमेंट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में जो लोन देने का रखेगी वो उन गरीब लोगों को रखेगी जिनको उन लोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि नेशनलाइजेशन कर दिया गया जनरल इंश्योरेंस का 1971 में। तो जनरल इंश्योरेंस में आपका जैसे घर हो गया, कार हो गया, कोई दुकान हो गया, ठीक है, इन सब के जो है इंश्योरेंस की बात की जाती है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में जब आपकी जो लाइफ होती है उसका इंश्योरेंस आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जब इसको नेशनलाइज किया गया इससे पहले बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जो कि जनरल इंश्योरेंस दिया करती थी, बट गवर्नमेंट ने जो है 1971 में प्रॉपर एक्ट ला के सबको गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड कर दिया। और आज के डेट में देख सकते हैं 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। पहली न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि बॉम्बे में है, फिर यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मद्रास में देखने को मिलेगी, फिर ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बॉम्बे में है, एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कलकत्ता में है, ठीक है। तो ये सारी जो है आज गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है और गवर्नमेंट के अंडर रेगुलेशंस में इसका किया जा रहा है। नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सन 1971। तो इसमें बेसिकली क्या होता था कि जो हमारे जो प्रिंसली स्टेट हैं, ठीक है, तो क्योंकि हम जानते हैं जब 1947 में जब हमारा इंडिपेंडेंस हो रहा था तो बहुत से प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जिन्हें बेसिकली ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए या इंडिया के साथ मिल जाइए, या फिर आप इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना जरूर समझा, बट क्योंकि हम ये बात जानते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ये बात जानते थे कि अगर ये प्रिंसली स्टेट अगर इंडिया के साथ कंबाइन नहीं होगी तो आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया की यूनिटी के लिए, ठीक है। तो उस टाइम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो यही था कि कैसे ना कैसे करके इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ जोड़ना, ठीक है। तो उस समय जोड़ने के लिए जो चीज़ लाई गई वो था प्राइवेट पर्स, यानी क्योंकि जो राजा रजवाड़े थे उनका मानना ये था कि कल को हम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे तो जो हमारा जो पैसा है कैसे हम अपनी यू नो शान शौकत वाली लाइफ जी पाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलना चाहिए। और क्योंकि ब्रिटिशर्स जब थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी इन राजा रजवाड़ों को कुछ ना कुछ जो अमाउंट थी जो ब्रिटिशर्स पे किया करते थे सो दैट इनकी जो वेल्दी लाइफ है वो अच्छे से इन्जॉय कर सके, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी लगा कि अभी इस टाइम जो यही ज़रूरी है कि इनको भी हम प्राइवेट पर्स दें, यानी एक साल के अंत एक लमसम अमाउंट जो था बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से इन प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंसेस थे उनको जाता था, ठीक है, ताकि वो जो है इस चीज़ को अपना लें कि इंडिया का वो पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। तो उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय ये प्राइवेट पर्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था जिसके थ्रू हमारे प्रिंसली स्टेट जो इंडिया के साथ आके जुड़े, ठीक है। बट जब हमारा देश अच्छे से चल रहा था बट उस समय हमने देखा कि इतना सारा जो पैसा है, ठीक है, ऑलरेडी तो वैसे भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, ऊपर से वो रिसोर्सेज अगर इन राजा रजवाड़ों को दे दिए जाएंगे तो जो गरीब जनता है उसके लिए बेसिकली वेलफेयर कैसे होगा। तो बाद में जो है गवर्नमेंट को जब रिलाइज़ हुआ कि अब इसको बैन करने का, इसको अबॉलिश करने का टाइम आ चुका है बिकॉज अब तो ये प्रिंसली स्टेट इंडिया का पार्ट बन चुका है, तो इसको फर्दर कंटिन्यू करना सही नहीं होगा क्योंकि अब साल के अंत में एक लमसम अमाउंट जो आप दे रहे हो तो कोई फायदेमंद है नहीं, किसी गरीब के तो काम आया नहीं, वो एक राजा रजवाड़ों की जो शान शौकत है उसको बढ़ाने के लिए आप दे रहे थे। तो उस चीज़ को फिर अबॉलिश कर दिया गया 1971 में ताकि जो पैसा है वो गरीबों के लिए यूज़ किया जा सके, ना कि इन प्रिंसली स्टेट को देने के लिए। नेक्स्ट जो लाया गया था एक्ट वो था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसके थ्रू जो लोक अदालत को लाया गया इंडिया में। तो ये बेसिकली एक्ट इसलिए लाया गया था बिकॉज डीपीएसपी हम देखते हैं आर्टिकल 39A, तो आर्टिकल 39A में बेसिकली बात की गई है कि जो लोग हैं उनको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। तो उस आर्टिकल 39A को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए ये एक्ट लाया गया था जहाँ पे लोक अदालत बनाई गई सो दैट जो भी डिस्प्यूट होगा उसे कोर्ट के बाहर जो सुलझा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो जितने भी गरीब तबका है उनको जो है फ्री लीगल एड मिले, यानी जो भी लॉयर्स की फैसिलिटी है, आने जाने की जो भी है उनको फ्री मिल सके ताकि उनको जस्टिस प्रोवाइड कर सके। तो इस लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत हम देख सकते हैं नेशनल लेवल पे एक नालसा बना था जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी था, और एक स्टेट लेवल पे सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना था डालसा जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो ये तीन अथॉरिटीज बेसिकली बनाए गए जो बेसिकली लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे हमारे देश के सिटीजन्स को, ऐसे लोग जो बेसिकली बेसिकली जिनके पास इतना पैसा नहीं है जस्टिस को लेने के लिए, उन पर्टिकुलर लोगों को ही प्रोवाइड किया जा रहा था, ठीक है। और लोक अदालत जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी थी जो कोर्ट के बाहर जो है ऐसे केसेस को सॉल्व करने में हेल्प करी थी जिसके कारण लोगों को कोर्ट ना जाना पड़े और यहीं पे जो इनके जो केसेस हैं उनको सॉल्व किया जा सके। बाकी डिटेल में लोक अदालत क्या है, कैसे फंक्शन करती है, वो हम उस जब चैप्टर आएगा तो आप पर्टिकुलरली तब आपको समझा दिया जाएगा।
नेक्स्ट है कि सेटअप क्या क्या डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज़। तो जैसे कि गांधीन प्रिंसिपल में गांधी जी का ये मानना था कि कॉटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए रूरल एरियाज़ में सो दैट उनके डेवलपमेंट में वो काम करें। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को लगाए गए रूरल एरियाज़ में, जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड है जो आज भी देखो उतने अच्छे से काम करता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल बोर्ड है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, हैंडलूम बोर्ड है, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है, कोर बोर्ड है, सिल्क बोर्ड है। तो ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज़ है कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में जो डेवलपमेंट है, छोटी मोटी डेवलपमेंट है, उनमें हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। तो DPSC में ये भी चीज़ मेंशन की गई थी कि आपको किसी भी तरीके से जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्ट भी पास करे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जहाँ पे कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए लाए गए प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हिली एरियाज उसको कैसे डेवलप करना है, वहाँ पर प्रॉपर रोड होनी चाहिए, प्रॉपर यू नो पानी की सुविधा वगैरह। ठीक है, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम लाया गया, यानी ऐसे एरिया जो कि ड्राउट प्रोन है वहाँ पे किस तरीके से प्रोग्राम लाना है, कैसे उसका डेवलपमेंट करना है। सिमिलरली मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1974 में लाया गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 में आया गया, फिर जवाहर रोजगार योजनाएं 1989 में, इसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाएं 1999 में। तो एक तरह का ये क्या है, रोजगार प्रोवाइड कर रही है, यानी राइट टू वर्क को, जो राइट टू वर्क हमारे DPS पे मेंशन है उसके तहत उस रोजगार को देने के लिए पर्टिकुलर एक्ट लाए गए। फिर है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनाएं 2001 में, एंड फिर उसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हम देखते हैं कब आया था, 2006 में। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक तरह का रोजगार देने में जो है लोगों की हेल्प कर रहा था। तो उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो सारे DPSP थे उसमें जो जो प्रोविजंस लिखे थे उस सबको जो है गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है इंप्लीमेंट किया अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो DPSC में बोला गया था उसके थ्रू कुछ एक्ट लाए गए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, यानी जितनी भी वाइल्ड लाइफ देखोगे आपको, जैसे कोई भी आपको एनिमल देखने को मिलेगा तो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, उसका एक स्टेटस दे रखा है कि वल्नरेबल है या फिर एक्सटिंक्ट हो चुका है या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इसके थ्रू जो उस पर्टिकुलर एनिमल को वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। इस तरह फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए एक्ट लाया 1980 का, और फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाई 1988। तो ये जो एक्ट है अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके थ्रू जो है इन सब चीज़ों को सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाता है। नहीं, कोई भी वाइल्ड लाइफ को आजकल कोई आप किसी को मान लो मार भी देते हो तो आपको एक बहुत मतलब हैवी पनिशमेंट आपको मिल सकती है। ठीक है, इस तरह से आप किसी फॉरेस्ट को जला नहीं सकते, उसको कोई हार्म नहीं पहुँचा सकते। तो ये सारे जो एक्ट है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर रिलेटेड भी DPSP में बातें बोली गई थी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, इंप्रूव एग्रीकल्चर इनपुट्स लाए, जहाँ पे हमने बोला था ना कि कैसे हमें एग्रीकल्चर को इंप्रूवमेंट के लिए हमें साइंटिफिक तरीकों को यूज़ करना चाहिए, जो कि हमारे जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में बोला गया था। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या इंप्रूव एग्रीकल्चर इनपुट्स लाई हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं सीड्स आए हैं, जैसे आप कह सकते हैं हाइब्रिडाइज सीड्स लाई गई हैं, फर्टिलाइजर लाए गए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाई गई हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइज करना एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस में, तो ये सारे काम जो गवर्नमेंट ने किए हैं। नेक्स्ट है जैसे कि हमने देखा था गांधीयन प्रिंसिपल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल था, जहाँ पे बोला गया था कि आपको विलेज पंचायत जो है डेवलप करनी है। ठीक है, तो उसी विलेज पंचायत को डेवलप किया गया, जो कि एक थर्ड टायर थी, मतलब क्योंकि हमने फर्स्ट टायर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज आपका स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड जो था आपका लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के अंदर आपका अगर गांव का इलाका है यानी रूरल इलाका है तो वहाँ पे आपको पंचायत देखने को मिलेंगी, अगर आपका अर्बन एरिया है तो वहाँ पे आपको म्यूनसिपालिटीज देखने को मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पंचायत है उसको भी लाया गया था, यानी आपको पंचायत जो है तीन लेवल पर देखने को मिलेगी, विलेज में, तालुका में और ज़िला में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या किया है। तो सीट्स को रिजर्व किया गया SC ST के लिए या फिर अदर वीकर सेक्शंस के लिए इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जितने भी आप देखोगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई भी आपका गवर्नमेंट सर्विसेज है या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ है, यानी जहाँ पे आप देख सकते हो लेजिस्लेचर वगैरह है, तो वहाँ पे उनके सीट रिजर्वेशन की बात की गई है। बिकॉज यहाँ पे DPSC में बोला गया था कि आपको उनके एडवांसमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो उसके थ्रू हमने देखा कितनी सारी चीज़ें जो है रिजर्व की गई हैं SC ST और OBCs के लिए। इसके अलावा हमने देखा कि अनटचेबिलिटी को बैन करने की बात की गई थी, तो हमने अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 जो लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे बाद में रिनेम करके जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 में लाया गया। ठीक है, बिकॉज इसका नाम चेंज इसलिए किया गया बिकॉज कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट में जो एम्बिट था उसका स्कोप जो था और ज़्यादा बड़ा कर दिया गया, बिकॉज अनटचेबिलिटी में तब बहुत थोड़ा सा चीज़ें जो है आप इंक्लूड कर सकते थे अनटचेबिलिटी की चीज़ों को, बट जब प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे हर एक सिविल राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की गई थी, और जो भी पर्सन इन सबको वॉयलेशन करता तो इसका पनिशमेंट भी जो है उसमें लिखा हुआ था। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लाया गया 1989 में, जो कहीं ना कहीं जो है SC ST को के साथ जो भी सोशल इनजस्टिस हुआ है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उन्हें रोकने के लिए, उसको उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उन लाया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990 को। तो 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990 में आप देख सकते हो कि नेशनल कमीशन फॉर SC, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST को बेसिकली बनाया गया था। ठीक है, बट बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बाइफर्केट कर दिया गया दोनों ही कमीशन के नाम से, यानी अब पर्टिकुलरली नेशनल कमीशन ऑफ SC आपको अलग दिखेगी, नेशनल कमीशन ऑफ ST आपको अलग देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो बहुत सारे नेशनल लेवल में कमीशन बनाई गई ताकि प्रोटेक्ट कर सके, प्रमोट कर सके सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का। ठीक है, जैसे कि 1993 में आप देख सकते हो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया,
1993 में ही नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बनाया गया, 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया, 2007 में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया गया, ठीक है। एंड 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में बेसिकली कन्फर्म कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। बिकॉज पहले जो नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस था उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं मिला था, स्टैट्यूटरी स्टेटस था, बट बाद में 102 अमेंडमेंट के दौरान जो कि 2018 में की गई थी वहाँ पर उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया, यानी जो उसके पावर्स एंड फंक्शंस थे उसको भी बढ़ा दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 10% रिजर्वेशन लेके आई थी, ठीक है, किसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, ताकि उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो सके और सिविल पोस्ट जो है या फिर जो भी सर्विसेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिल सके। द बेनिफिट जो था इस रिजर्वेशन का वो अवेल कर सकते थे वो लोग जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो पुअर्स लोग थे उनको बेसिकली मिल सकता है, और इसके अंदर कोई भी एससी एसटी और ओबीसी को कोई रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया गया था, ठीक है। और ये सब कब लाया गया, 103 यानी 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में की गई थी उसके थ्रू जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन को लाया गया था। नेक्स्ट गवर्नमेंट लेके आए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में, जहाँ पे बेसिकली जुडिशरी, ठीक है, जहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के जो काम है उसको बेसिकली सेपरेट कर दिया गया। और ये चीज़ हमने बेसिकली पहले भी देखी थी जहाँ पे बोला गया था कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे हमने देखा था कि गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट की ऊपर ही ऑब्लिगेशन था कि आपको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो काम है आपको सेपरेट करना है, तो उसको करने के लिए बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 में इसको अलग किया गया। क्यों? बिकॉज इससे पहले क्या हुआ करता था, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हुआ करती थी वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जैसे आपका कलेक्टर हो गया या फिर सब डिविजनल ऑफिसर हो गया जैसे तहसीलदार हो गए, इन सब का काम जो था बेसिकली एज अ कलेक्टर की तरह भी काम करते थे और एज अ जुडिशियल पावर्स भी इनको मिली हुई थी, ठीक है। तो क्योंकि एक कलेक्टर जो कि एक तरह का एग्जीक्यूटिव का काम भी परफॉर्म कर रहा है और साथ ही साथ वो एक जुडिशरी पावर्स भी अपने पास लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह का ओवरबर्डन उनके पास आ जाता था और कहीं ना कहीं आप देख सकते आप अच्छे से बेसिकली अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म भी नहीं कर पाता था। तो इसके लिए जब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाया गया उसके थ्रू हम कह सकते हैं जुडिशियल पावर जो थी वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से ले ली गई, एंड अब जो आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसका काम एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है और जो जुडिशरी का काम है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है जो बेसिकली स्टेट हाई कोर्ट के अंडर जो है बेसिकली उनके डायरेक्शन में जो काम करता है कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट जो है बेसिकली हमने देखा था डीपीएसपी के अंदर कि जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर ऐसे जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो गवर्नमेंट जो है एक एक्ट लाई गई द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951 जिसके थ्रू जो भी मॉन्यूमेंट्स है प्लेसेज है ऑब्जेक्ट है ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि हमने नेक्स्ट डीपीएसपी देखा था कि आपको हेल्थ जो है उस पर ध्यान देना है, लोगों का जो न्यूट्रिशन लेवल है उस पर जो है गवर्नमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए देख सकते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर बहुत सारी हॉस्पिटल जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया पूरे कंट्री में ताकि जो लोगों की पब्लिक हेल्थ है उसको इंप्रूव किया जा सके। और साथ ही साथ कुछ सोशल प्रोग्राम्स भी लॉन्च करें जो कहीं ना कहीं इरेडिकेट करने में हेल्प करते हैं बहुत सारे डिजीजेस को, जैसे कि आप देख सकते हैं मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, आपका लेप्रोसी है, एड्स है, कैंसर है, काला आजार है, ठीक है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है, तो इन सभी चीज़ों को, ऐसी बीमारियों को जो कि वाइड स्प्रेड फैल रही थी, जो लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इफेक्ट कर रही थी, तो इन सबको इरेडिकेट करने के लिए जो सोशल प्रोग्राम्स लाए गए जहाँ पे गवर्नमेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों का इलाज करते हैं, उनको बेसिकली जो भी बेनिफिट मिलता हेल्थ सेक्टर से वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं जैसे गांधीयन प्रिंसिपल में देखा था कि आपको जो है काउ का स्लॉटर नहीं करना है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए कुछ ऐसे स्टेट्स थे वहाँ पे कुछ लॉज लाए गए जो प्रोहिबिट करता था कि काउस हो कैल्स हो बुल्स हो उनको स्लॉटर नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ओल्ड पीपल्स की, यानी जो ओल्ड पर्सनस थे उनके लिए भी कुछ ना कुछ करने की बात जो है की गई थी, तो इसके लिए जो है कुछ स्टेट ने जो है अपने कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स को, ऐसे लोग जो 65 ईयर्स से ऊपर के हैं तो उन लोगों को जो है ओल्ड एज पेंशन स्कीम दी, मतलब स्टार्ट की गई ताकि उन्हें कुछ पेंशन मिल सके, कुछ पैसा मिल सके जिससे वो अपना थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकाल सकें। नेक्स्ट हमारा जो डीपीएसपी था जहाँ पे बोला गया था कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन में अच्छे से काम करना है, इंटरनेशनल जो है पीस को मेंटेन करना है, तो उसके लिए जो आप देख सकते हो इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट या फिर कह सकते हैं पंचशील लेके आई थी, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट लेके आई थी और एक पंचशील लेके आई थी जिसके थ्रू इंडिया ने उन कंट्रीज़ के साथ जो है बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया और कहा कि हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो सारे स्टेप्स जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हैं वो एक हद तक हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, बट अभी भी कुछ ऐसे डीपीएसपीज हैं जिसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है फुल्ली इफेक्टिवली, अभी भी वो जो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। उसके पीछे का रीजन आप देख सकते हो कि अभी भी हमारी कंट्री के पास, हमारी कंट्री में इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, अनफेवरेबल सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कैसे आप रिसोर्सेज को फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, और साथ ही साथ सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन है जो कभी कभी टशल्स देखने को मिलती हैं, तो ये सारे रीजन्स हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारे डीपीएसपी जो है अच्छी तरीके से फुल्ली और इफेक्टिवली अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। बट वही है, गवर्नमेंट बस कोशिश कर सकती है कि वो इन सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करे अच्छे से
करें सो दैट लोगों के जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स हैं सिक्योर हो सकें। तो ये सारी जो इम्प्लीमेंटेशन हमने डिस्कस करी है वो आपको कैसे यूज़फुल है कि आप बेसिकली कोई भी मेंस का आंसर हो या फिर कोई भी ऐसे पेपर हो तो वहाँ पे आप ये सब कोट कर सकते हो गवर्नमेंट ने किस तरीके से DPSP में जो भी प्रोविजंस थे उन्हें इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अब हम हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4, यानी कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स हैं यानी DPSP हैं जिसको बेसिकली DPSP के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, उनको उन आर्टिकल्स को बेसिकली DPSP के बाहर रखा गया है, बट कहीं ना कहीं उनका मेन ऑब्जेक्टिव उन DPSP को फॉलो करना ही है। जैसे कि हम बात करते हैं पहला आर्टिकल 335 का, जिसे पार्ट 16 में रखा हुआ है। ठीक है, यानी पार्ट 4 के बाहर रखा हुआ है, मतलब कहाँ रखा हुआ है, पार्ट 16 के अंदर रखा हुआ है। तो ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है कि बेसिकली जो SC ST हैं उनका जो है अच्छे से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं सर्विसेज में या फिर कोई भी पोस्ट में, जो चाहे वो यूनियन की हो या फिर स्टेट की हो। यानी कल को अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी जॉब निकालते हैं तो वहाँ पे ST SC का जो है अच्छे से रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पे जो भी रिजर्वेशन करना है, बट साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखनी है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है, जो भी मेंटेनेंस एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसमें नुकसान नहीं आना चाहिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी है उसमें ऐसा नहीं है कि मान लो आपने किसी को भी SC ST को उठा के बैठा दिया बट उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, बस नाम नाम के लिए कि आपने उनका वेलफेयर करना है तो आपने उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आ गए। नहीं, भले ही आप उनके लेके आ सकते हो ये ठीक है, बट उनके आने से कोई भी एफिशिएंसी खराब नहीं होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की। यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो कम नहीं होना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी खराब नहीं होनी चाहिए, उसको मेंटेन करना जो है ज़रूरी है गवर्नमेंट को। ठीक है, ये बात हमारी कहाँ बोली गई है, आर्टिकल 335 जो कि पार्ट 6 में रखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो DPSP से रिलेटेड है, बिकॉज DPSP बात करता है कैसे आपको माइनॉरिटीज़ या फिर जो SC ST है उनके वेलफेयर के लिए आपको काम करना है, उनके एडवांसमेंट के लिए काम करना है। तो ये भी आर्टिकल बेसिकली बात बोल रहा है कि आपको ऐसे जॉब्स जो सेंट्रल स्टेट के वहाँ पे आपको अच्छे से इनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल 350A है, जो बेसिकली पार्ट 17 के अंदर उसको रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली बात करता है मदर टंग की, मतलब जो भी ऐसा बच्चा है मान लो वो बिलोंग करता है किसी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से, तो उस बच्चे का जो प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए वो उसकी मदर टंग में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर एक स्टेट या फिर लोकल अथॉरिटी को दी गई है जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रहते हैं। तो कि मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर मान लो कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप है तो वहाँ पे जो कोई भी स्टेट अथॉरिटी या फिर लोकल अथॉरिटी, उनकी ड्यूटी बनती है कि उन बच्चों को जो है उनकी प्राइमरी एजुकेशन है उनकी मदर टंग में ही दी जानी चाहिए। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो बच्चा है वो अपनी मदर टंग में ज़्यादा कंफर्टेबल है चीज़ों को सीखने के लिए। और जब आप प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हो तो उस समय जो है आपके जो बेसिक चीज़ें हैं उसको बिल्डअप करना ज़्यादा जरूरी है, इरिस्पेक्टिव कि आप कौन सी भाषा में उसको सीख रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो ABCD है तो ABCD लाइक क्या है, वो एक प्राइमरी मतलब बेसिक चीज़ें हैं। जब तक आपको ABCD नहीं आएगी तब तक आप वर्ड्स बनाना नहीं सीख सकते। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको बिल्डअप करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो किस भाषा में सिखाई जा रही है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, बिकॉज बच्चे का जो बचपन है उसमें उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, भले ही उसका मीडियम कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ आर्टिकल 350A में लिखा हुआ है कि उन बच्चों को जो खासकर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स यानी ऐसी भाषा बोलते हैं जो माइनॉरिटी में आती है, क्योंकि उन्हें बेसिकली या तो हिंदी की नॉलेज नहीं होगी बिकॉज ऐसी वो भाषा बोलते हैं, जैसे आप जाएंगे ट्राइबल एरियाज़ में तो उनकी भाषा अलग है, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो उनकी भाषा आपको काफ़ी अलग देखने को मिलेगी। तो उन बच्चों को एजुकेशन से क्योंकि वो मतलब वो बच्चे बेसिकली एजुकेशन से दूर ना हो जाए, इसलिए कोशिश करना है कि उन्हें उनकी भाषा में जो एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन से वो दिलाई जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 351 की, जिसे पार्ट 18 में बेसिकली रखा गया है। तो आर्टिकल 351 बेसिकली बात करता है कि हमें हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो यानी कि ये ड्यूटी जो है यूनियन को दी गई है, सेंटर को दी गई है कि वो प्रमोट करें, स्प्रेड करें हिंदी लैंग्वेज को एंड डेवलप करें उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में कम से कम मान लेते हैं तो 70% ऐसी पॉपुलेशन है जो बेसिकली हिंदी लैंग्वेज को बोलती है, समझती है कम से कम। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं बहुत से ऐसी लैंग्वेजेस है जो हिंदी लैंग्वेज से ही जो ओरिजिनेट हुई हैं, तो उसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि उन्हें हिंदी लैंग्वेज कहीं ना कहीं समझ में आती है। बट 30% ऐसी पॉपुलेशन है जिसे कह सकते हैं अभी भी हिंदी लैंग्वेज की इतनी नॉलेज नहीं है, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उन 30% को भी जो है इंटीग्रेट करें और उनको भी जो हिंदी लैंग्वेज जो है मतलब स्प्रेड करने में मदद करें। ठीक है, बट इस तरीके से स्प्रेड करना है कि उन्हें लगे ना कि उनको उन पर हिंदी जो भाषा है जो थोपी जा रही है। ठीक है, कंफर्टेबल हों वो उस चीज़ को समझने के लिए। और साथ ही साथ मेन चीज़ ये है कि आप एक ऐसी लैंग्वेज जो कि हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसको अगर आप पूरे इंडिया में लेके आते हो, उसे स्प्रेड करते हो, तो एक तरह से यूनिटी का जो है इंडिया की यूनिटी को बेसिकली शो करता है। क्योंकि आप देखो जैसे चाइना है, उनकी अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज है, वो ज़्यादातर उसी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं बोलना। बट आप देखोगे इंडिया में हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए थी, बट ज़्यादातर आप लोग देखोगे तो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप हर स्टेट के लोग जो है कंफर्टेबली बोल पाते हैं, उसको समझते हैं। बट हिंदी को जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो आज ज़्यादा इंग्लिश को मिला बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया था कि आज जो आप देखोगे साउथ इंडिया में, तो आप देखोगे कि किस तरह के साउथ इंडिया में, तो साउथ के लोग जो है अपनी साउथ इंडियन भाषा तो बोलते हैं बट वो हिंदी ना बोलने के बजाय क्या इंग्लिश बोलते हैं, अदर लोगों से जो कन्वर्सेशन करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। तो हिंदी एक लैंग्वेज होनी चाहिए थी ना, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो उसको बेसिकली प्रमोट करना है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है कि आपको इसके लिए जो है काम करते रहना है।
तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है बेसिकली ये चैप्टर है डीपीएसपी का एंड होता है। यहाँ पे हमने हर एक टॉपिक को जो है डिटेल में अच्छे से समझ लिया है। अब हम बेसिकली चलते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और मेंस के क्वेश्चंस हैं जिसे आपको अच्छे से ट्राई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड आर करेक्ट। पहला, इट इज़ द बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट दैट अ यूनिफॉर्म कोड मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल। सेकंड है, द प्रोविजन रिगार्डिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोला है, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है इसको फ्री लीगल एड एससी एसटीज को। नेक्स्ट बोल रहा है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का प्रोवाइड करता है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ इज करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट स्टेटस बताना है। पहला बोल रहा है कि डीपीएसपी कैन नॉट गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट इन एनी केस। डीपीएसपी ऑलवेज गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट ऑलवेज गेट प्रायोरिटी ओवर डीपीएसपी एंड इन सम केसेस डीपीएसपी मे गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर अमंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहला बोला गया है कि स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट इंडिया। थर्ड, द स्टेट शेल ट्राई टू डेवलप पॉपुलेशन पॉलिसी एंड फैमिली प्लानिंग प्रॉब्लम्स। एंड फोर्थ, द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू प्रमोट टूरिज्म। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गिव प्राइमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ फंडामेंटल स्टेट। सेकंड, मिनर्वा मिल केस रूल्ड दैट देर हैज़ नो बैलेंस बिटवीन, नहीं देर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिकमेंड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल बी मेड जस्टिशियबल। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वॉज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं थे। पहला, सिटीजन्स राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, फ्री लीगल एड, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउज एंड कास। तो इनमें से करेक्ट आपको मतलब बेसिकली बताना है कि कौन सा इनमें से नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, प्राइमेसी इज गिवन टू ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। प्राइमेसी इज गिवन टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 14-32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। प्राइमेसी इज गिवन टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्म्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डीपीएसपी। एंड प्राइमेसी इज गिवन ओनली टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन क्लॉज बी एंड सी ऑफ 39 ओवर द फंडामेंटल कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 40-19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको पढ़ते इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि हमने फंडामेंटल राइट में भी इसको डिस्कस किया था और अभी आज डीपीएसपी में भी हमने किया है। तो इनमें से करेक्ट आपको बताना था। एट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहला, कि द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेकंड, द स्टेट शेल प्रमोट विद स्पेशल केयर फॉर द केयर द एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन टू एलिमिनेट लिटरेसी। एंड फोर्थ, द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एनी एवरी मोनूमेंट प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो इनमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिप्रेजेंट टू द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच नहीं है। पहला, टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी लीव आर्टिकल 44, टू ऑर्गनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आर्टिकल 40, टू सिक्योर द इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन आर्टिकल 47, एंड टू प्रमोट ऑल द मोनूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस आर्टिकल 50। तो इनमें से करेक्ट कौन सा मैच नहीं है वो बताना है। 10 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चेंजेस मेड बाय द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर करेक्ट। पहला है, इट एनेबल्स स्टेट टू प्रोवाइड अ फ्री लीगल एड टू सिटीजन्स। सेकंड है, इट प्रोवाइड फॉर द स्टेट टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। थर्ड है, इट रिक्वायर्ड टू द स्टेट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड द स्टेटस। तो इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करके बताना है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के लिए थे और ये 2 क्वेश्चन आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बेसिकली बात कर रहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि कंट्री में गवर्नेंस को करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरह का फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। एंड इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। यानी कि हम डीपीएसपी को कभी भी फंडामेंटल राइट्स से आइसोलेट करके नहीं देख सकते, ठीक है। तो कैसे आपको इसको एग्जामिन करना है, दो चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज करना है वेदर द नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ डीपीएसपी मेक देम सबसर्वेंट टू द फंडामेंटल राइट्स। यानी डीपीएसपी भले ही नॉन इन्फोर्सिबल है कि नॉन जस्टिशेबल है, आप जो जुडिशरी के पास नहीं जा सकते, बट क्या इसका मतलब है कि एक तरह से सबसर्वेंट है फंडामेंटल राइट्स के। तो वो बेसिकली आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है स्टेटमेंट को, ठीक है। तो यहाँ के लिए तो बेसिकली आज के लिए सिर्फ इतना ही था। एंड आई होप आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड आपके जो भी क्वेश्चन हैं ये उसको आपको कमेंट बॉक्स में अच्छे से करना है एंड उसका रिप्लाई देना है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए औरों के साथ। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए
और कुछ भी डाउट हो क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।